आज सुबह की शुरुआत में ही बॉलीवुड के गलियारों से दिल तोड़ देने वाली खबर सामने आ रही है। खबर लेजेंडरी सिंगर बप्पी लहरी को लेकर। बता दें कि बीते दिन यानी 15 फरवरी को बप्पी लहरी ने अपनी अंतिम सांसें ली। जी हां, अब सिंगर हमारे बीच नहीं है। जानकारी दे दें कि बप्पी लहरी पिछले एक महीने से अस्पताल में भर्ती थे। सोमवार को यानी गत 14 फरवरी को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली, लेकिन 15 फरवरी को घर पर उनकी हालत बद से बदतर होती चली गई। डॉक्टर्स ने बताया कि बप्पी लहरी को एक गंभीर बीमारी के चलते सांस लेने में बेहद तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर्स के अनुसार इसी बीमारी के चलते बप्पी लहरी हम सभी को छोड़ कर गए। ये भी बता दें कि पिछले साल बप्पी लहरी को कोविड हो गया था, जिसके बाद ऐसी खबरें सामने आई थीं कि वो गा नहीं पाते हैं। इन अफवाहों के बाद आखिरी बार बप्पी लहरी बिग बॉस में अपने पोते के गाने बच्चा पार्टी को प्रमोट करने पहुंचे थे। बप्पी लहरी और सलमान खान ने मिलकर एक साथ बहुत मस्ती भी की थी। सिंगर का यूं अचानक चले जाना हर किसी के लिए एक बड़ा झटका है। जानकारी दे दें कि बप्पी लहरी 69 साल के थे और परिवार ने इस साल उनका 70वां जन्मदिन धूमधाम से मनाने का फैसला किया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि नियति के आगे किसकी चल पाई है। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। फाइनल कॉट, न्यूज डेस्क।